जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ क्या अब कार्यवाही होती हुई नजर आएगी? क्या एनडीए से बगावत करना चिराग पासवान के लिए भारी पड़ेगा? नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नासिमन खान। दरअसल बिहार में वैशाली में जब जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आते हैं। ये भी कहते हैं कि सरकारें कई गई हैं, कई आई हैं, लेकिन बिहार में विकास का कार्य अभी भी रुका हुआ है। चिराग पासवान जहां संकेत देते हैं कि अब उनके रुख आरजेडी की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर चिराग पासवान के कदमों को रोकने के लिए एक बड़ी कार्यवाही की मांग की जाती है। और मांग कोई और ही नहीं बल्कि के चाचा पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से की जाती है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष पशुपति पारस जो यहां पर यह दावा करते हैं कि हाजीपुर की सीट तो उन्हें ही मिलनी चाहिए, तो वहीं उनके प्रवक्ता चंदन सिंह ये कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जो बयान दे रहे हैं इसमें एनडीए में बड़ी तकरार पैदा हो सकती है, कई और दल भी यहां पर इस तरीके के कदम उठा सकते हैं। चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बिहार में दिखाने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। इसको लेकर और क्या कुछ यहां पर चंदन सिंह बोल रहे हैं, देखिए जरा। चिराग पासवान जी, आप खुले तौर पर अपनी सभा में गठबंधन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं, और बिहार एनडीए के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ में आपने जो अभद्र टिप्पणी किया है उससे गठबंधन को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, उसको भी आपने धत्ता बता दिया है। आपने कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। जनता ने तो आपको बहुत मौका दिया, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भूल गए, जमानत आपका जब्त हुआ, विधान परिषद की सीट लड़े उस पर भी आपका जमानत हुआ, आपने किया है कल अपनी सभा में। आपको सार्वजनिक रूप से एनडीए गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा मैं एनडीए के बड़े नेताओं से आग्रह करूंगा कि चिराग पासवान को तुरंत अविलंब इस गठबंधन से बाहर निकालना चाहिए। एनडीए में रहकर कोई इंडिया गठबंधन के लिए अगर काम करेगा उसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि जब यहाँ पर कोई बगावत करता है, कोई पार्टी से बगावत करता है, दल से बगावत करता है, तो दल बदल कानून के अनुसार उस पर कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी कि चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो मांगे प्रवक्ता द्वारा की जा रही है, क्या वही मांगे एनडीए की और दलों की भी होती हुई नजर आएगी? क्या चिराग पासवान का इस तरीके से कदम उठाना उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।